तो कल मुनावर फारूकी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे के साथ केक कट किया। साथ ही मुनावर फारूकी के जो बेटे हैं काफी ज्यादा खुश नजर आए और वो घर पर ही थे। कई सारे लोग सवाल उठा रहे थे मुनावर के बेटे पर कि वो भी उनके साथ नहीं रहता है। कई सारी चीजें बोली गई हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हो कि उनका बेटा उनके पास था, इतना ज्यादा प्यार करता था। एक बार जब वो बिग बॉस के घर में थे तब भी वीडियो सामने आई थी और फिर फिनाले वाले दिन भी वीडियो सामने आई थी कि पापा डोंगरी ट्रॉफी आएगी, ट्रॉफी तो डोंगरी आएगी, इस तरीके से उनका बेटा कर रहा था। फिलहाल ट्रॉफी डोंगरी आई है और बेटे ने वो ट्रॉफी पकड़ी भी है। देखो, देख रहे ना आप, ये मुनावर ने अपनी स्टोरी पर इस फोटो को शेयर किया है। साथ ही जिस तरीके से मुनावर अपने फैंस से मिले हैं, उनका बेटा भी बहुत सारे जो फैंस है उनसे जाकर के मिला है। वो भी एक छोटी सी आपको मैं झलक दिखाने वाली हूं। जस्ट वन सेकेंड। ये देखिए, मुनावर की बहन भी है, मुनावर का बेटा है, सारे जो डोंगरी में फैंस है ना उन लोगों से मिला है। फिलहाल जिसको जीतना था वो जीत गया है, जिसको ऑडियंस प्यार कर रही थी, जिसको वोट दे रही थी, भर भर के जीत गया है। कई बार लोग सवाल उठाते हैं जिनको डाइजेस्ट नहीं होता है। अब सवाल उठाने से कुछ भी नहीं होगा, जब भी बिग बॉस 17 के विनर का नाम लिया जाएगा मुनावर फारूकी का ही नाम आएगा, जाहिर सी बात है। तो लोगों के लोग क्या कह रहे हैं या फिर लोग कैसे कैसी बातें कर रहे हैं उसको इग्नोर करो, क्योंकि काफी सारे लोग जो मुनावर के फैंस है उससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो मैं साफ तौर पर बोलूंगी ऐसे लोगों को इग्नोर करो। थैंक यू।